मेहरबानी पता नहीं कौन है, कोई लड़की है बदल बीमार, अल्लाह शिफा अता फरमाए। क्योंकि आजकल तो नए नए नाम है ना जी, अजीब अजीब नाम है, आफरीन, नेहा, पता नहीं क्या क्या नाम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनको सरकारें दो जहाँ की बेटियों के नाम भी पसंद नहीं है, पसंद हो तो रखे ना। सरकार की अजवाज मुत्तहरात जो उम्महातुल मोमिनीन है, जिनका कुरान ने जिक्र किया, उनके नाम भी पसंद नहीं है। सहाबियात के नाम भी पसंद नहीं है। ये नए नए नाम ढूंढेंगे कि ऐसा कोई नाम हो। मैंने पहले भी आपको बताया था, एक आदमी ने मुझे, कई पुरानी बात है, हज के मौके पर बड़ा तंग किया जी, मेरा लड़का पैदा हुआ है, मुझे ऐसा नाम बताएं कि पूरी दुनिया में ऐसा नाम किसी का ना हो। यार कोई नाम रख लो। क्या नहीं हजरत, मेहरबानी करें, आपको अल्लाह ने इतना इल्म दिया है, एक नाम भी नहीं बता सकते, लेकिन नाम ऐसा हो जो दुनिया में किसी ने न रखा हो। मैंने कहा इबलीस रख लो। कहते क्यों? मैंने कहा इबलीस किसी ने बेटे का नाम रखा है? तुम्हारा बेटा निराला ही होगा ना, जिसका नाम ऐसा किसी ने रखा ही नहीं। बेचारा अल्लाह नाराज हो गया, वैसे ही चला गया। तो ये एक गलत रिवाज है। अल्लाह को तो वो नाम पसंद है जिनमें अब्दियत का इजहार हो। अब्दुल्लाह, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, जिसमें अब्दियत, क्योंकि अल्लाह ने हमें पैदा ही इबादत के लिए किया। और जितने सहाबा के नाम हैं उनके अंदर भी, वैसे याद रखें कि अरब के अंदर भी ये रिवाज था कि मर्दों के नाम ऐसे रखते थे जिससे दुश्मन पे रोब पड़े, औरतों के नाम ऐसे रखते थे जिसमें खूबसूरती झलकी हो। वर्दा है, यानी गुलाब का फूल है, रेहाना है, जैसे बबरी की बूटी होती है खुशबू वाली। और मर्दों के नाम के असद है, फहद है, यानी शेर है, ताकि दुश्मन पर रोब पड़े। ये अरब का एक रिवाज था। लेकिन बहरहाल मैंने फजर की नमाज के बाद तवाफ़ किया, सूर्य निकलने से पहले मैंने दो रकात नमाज पढ़ ली, तो कोई कुफर तो नहीं हो गया। अफजल ये है कि सूर्य निकलने के बाद पढ़े, लेकिन पढ़ ली है तो जैसे इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हर वक्त यहाँ जायज़ है नमाज, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अफजल सबके नज़दीक यही है कि सूर्य निकलने के बाद पढ़ो, ताकि हदीस की मुखालफत ना हो। मस्जिद अल हराम में नमाज का 1 लाख, मस्जिद नबवी में 1,000 और मस्जिद अक्सा में 500। फिर याद रखें ये 1 लाख है, असल बात नमाज के आदाब और रियायात और खुशू और खुजू पे है। बहुत सारे लोग हैं नमाज पढ़ते हैं, उनका फ़र्ज तो अदा हो जाता, सवाब होता ही नहीं। और ऐसे लोग भी हैं जो नमाज पढ़ते हैं, फिर वहाँ लाखों का हिसाब नहीं होता है, फिर उनको अल्लाह सबसे आला मकाम अता फरमा देते हैं।